डिंडोरी जिले के शाहपुरा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरिया कला के आश्रित गांव पडरिया कला का मामला है, जहां पर गांव के स्कूल तक जाने का रास्ता बदहाल है। जगह जगह पर गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ है। छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो यह जाना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ मुश्किल समय में जैसे इमरजेंसी सेवाएं, डायल 100 108 एम्बुलेंस आने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कीचड़ भरे रास्ते में विद्यार्थी कई बार फिसल कर गिर जाते हैं और जिससे छात्र छात्राओं के हाथ पैर में गंभीर चोट भी आ जाती है। इससे उनके शाला गणवेश भी गंदे हो जाते हैं। वहीं नहीं, सड़क पर कीचड़ होने के कारण ग्रामीणों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मोटरसाइकिल चालक भी गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे सड़क की मरम्मत करने और साथ ही में कीचड़ की समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग संबंधित जनपद से लेकर जिला तक अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने आज तक इन ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं गांव के ग्रामीणों ने व विद्यार्थी ने जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। ग्रामीण राजेश झारिया व ग्रामीणों ने कहा कि यदि हमारी मांगों का ध्यान न देते हुए सड़क नहीं बनाई गई तो ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। इस संबंध में चर्चा करने पर जनपद प्रभारी SCM काजल चावला ने बताया कि बहुत जल्द कीचड़ भरी सड़क की समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा और स्कूल से गांव का लगभग 150 मीटर की जो कि जर्जर हालत में काफ़ी दिनों से यह पड़ा हुआ है और जहां पर कीचड़ से सना पूरा सड़क ग्रामीण एवं नौनिहालों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और इमरजेंसी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस 108 वाहन यहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क सुधार के लिए मांग की है। क्या समस्या है? हमारे गांव में रोड का समस्या ज़्यादा है जो कि पूरा गाँव में और स्कूल से लेकर के और ये जो रास्ता है आवागमन का रास्ता पूरा दलदल है। मिट्टी समझ लो कि घुटना तक तो गड्ढे हैं, उससे आदमी को आना जाना पड़ रहा है। उसी मार्ग से बच्चे लोग जाते हैं तो बच्चे ऐसे समस्या के सामना करते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। जैसे अभी जो 5 दिन पहले एक सौ भी आया भोपाल से, तो वो एम्बुलेंस गाड़ी भी वो फंस गया। ऐसे आवागमन में अवरोध होने के कारण हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास के लिए कुछ होना चाहिए। आपने शिकायत की है सर इसके लिए? इसका शिकायत तो हमारे गांव के बच्चे लोग बहुत किए हैं और हमारे गांव से कई बार शिकायत गया है, पंचायत वालों को भी दिया गया है और जनपद सीओ SDM मैडम को भी शिकायत दिया गया है। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा निराकरण होना चाहिए और रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव प्रसाद जय। कहाँ से है? पड़रिया कला। ये हमारे गांव से स्कूल रोड मतलब स्कूल तक रोड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जर्जर स्थिति में है। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, वो इसमें ड्रेस खराब हो जाता है, गिर जाते हैं। हम इसकी शिकायत पंचायत में CEO मैडम SDM मैडम को अभी जो परिवार में है उनको दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब इसका मतलब निदान करें। इस रोड का मतलब ये 150 मीटर के लगभग होगा इसकी लंबाई, लेकिन बहुत आम रास्ता नहीं है, मतलब इसमें बहुत मतलब आना जाना होता है। आपने शिकायत कहाँ पे दी है? आवेदन कहीं दिए हैं आपने? पंचायत से लेकर हम जिला लेवल तक दिए हैं, लेकिन कहीं से कुछ मतलब वो नहीं हो रहा, प्राप्त सावधान नहीं हो रहा, समस्या जस के तस बनी हुई है। हम यही कलेक्टर साहब से मतलब अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ के मतलब आके निरीक्षण करें और रोड बनवाने की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। क्या नाम है आपका? गजेश झारिया। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा कला। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शाहपुरा से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।